मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके मार के पीट के धमकियां देके बयान लिखवाने की। एक व्यक्ति है, उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी, उसकी दो जवान बेटियां हैं, कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है। ये जांच चल रही है इन लोगों के। एक व्यक्ति है, उसके वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हमारे मुवक्किल के, मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटिशियंस का, कोर्ट के अंदर खड़े होकर उसने बोला कि मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप दिल्ली के पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए। ये इनकी जांच चल रही है। इस सारी जांच करने के बाद, एक साल जांच करने के बाद, ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है? वो 100 करोड़ रुपया सब, इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हो आए, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी। गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके ये लोग, सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी, सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला, गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला। तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे, गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे? 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया, 50% रेवेन्यू। दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री, जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे इन्होंने। तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं,
लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें, तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता, उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पे मुख्यमंत्री रहे। 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। जब मोदी जी को फोटो खिंचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेम्पोरेरी क्लास, एक टेंट के अंदर टेम्पोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने लायक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए। और 5 साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उम्मीद दी है, प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद को कुचलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो उम्मीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को की मिलके जो लूट चल रही थी, अगर इनको स्कूल बनवाने पड़ गए, इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए, तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। पिछले लगभग एक साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया, और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जाँच एजेंसियों कैसी जाँच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो,
इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो फोन जिंदा हैं। और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। कोई चंदन रेड्डी है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। चंदन रेड्डी को इतना मारा, इतना मारा, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है चंदन रेड्डी की। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है पेशेंट हैज एलेज्ड ट्रॉमा टू बोथ ईयर्स एंड फेस बाय ईडी ऑफिसर्स ऑन 16 सितंबर 2022 एंड 17 सितंबर 2022। पेशेंट ने दोनों कानों पे और फेस पे ईडी ऑफिसर्स के द्वारा पिटाई हुई 16 सितंबर और 17 सितंबर को, ऐसा कहा। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ, ये है कि सुनाई नहीं दे रहा और जॉ पेन ऑन ओपनिंग माउथ। और इन्वेस्टिगेशन पे पता चला राइट ईयर माइल्ड टू मॉडरेट मिक्स्ड हियरिंग लॉस, लेफ्ट ईयर सीवियर टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। उसके कान के पर्दे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा चंदन रेड्डी से ईडी क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी, उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के पर्दे फट गए। उसको किस कागज पे दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा था और उसने झूठ बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने। इसके बाद अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही है, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है।